सो व्हाट्स अप पीपल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ज्यादा बढ़िया होंगे। कई दिन बाद अगेन मैं जो है ऐसे वीडियो लेके आ रहा हूँ। आज मौसम भी अच्छा था तो आई थॉट कि मैं ऐसे वीडियोस बनानी वापस से स्टार्ट कर दूं। खैर भाई, आज की जो वीडियोस टॉपिक रहने वाली है कि मैं आपको फ्लिपकी के बारे में बताने वाला हूँ कि आप फ्लिपकी क्यों ना यूज करें। एंड अगर यूज करें, वीडियो स्टार्ट होने से पहले बता देता हूँ, किसी ऐसे प्रोफेशनल से बनाए जिसे फ्लिपकी बनानी आती है। बिकॉज बहुत सारी ऐसी शॉप्स हैं जो फ्लिपकीज बना तो देते हैं बट वो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती, एंड फिर आपकी गाड़ी का जो इग्निशन है, ऑन करने वाला जो कंसोल है, उसमें कहीं ना कहीं नुकसान देते हैं। तो आज मैं कुछ आपको बताने वाला हूँ। तो पहले बता देता हूँ डिफरेंसेस आपको। तो गाइस, ये फ्लिपकी है, ये मैंने बनवाई थी एंड बहुत ज्यादा बढ़िया है। बट मैं आपको कुछ डिसएडवांटेजेस इसमें भी बताऊंगा, सो दैट अगर आप प्लान कर रहे हैं फ्लिपकी का तो आप लोग देख लें। तो गाइस, दिस इज द फ्लिपकी जो मैंने बनवाई थी। तो ये है अपनी फ्लिपकी। उसके बाद आ जाता है भाई अपनी बलिनो का रिमोट है। तो ये की फॉब होता है बेसिकली, इसका कोई यूज नहीं होता, स्टार्ट स्टॉप बटन होता है। तो ये आपको बस गाड़ी में रखना होता है। हालांकि इसमें भी जो है पीछे चाबी दी जाती है। यहां से मैं दिखा दूं आपको, दिस इज द की। ये क्यों होती है? इन केस अगर आपकी गाड़ी अंदर चाबी अंदर रह जाए, कुछ भी अंदर रह जाए, तो आप उसे ओपन कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इसका कोई यूज नहीं है। उसके बाद आ जाती है भाई अपनी मारुति की ओरिजिनल चाबी, ठीक है। इसका जो है अंदर से चिप निकल चुका है, बेसिकली इसमें सेंसर है वो निकल चुका है। तो आओ मैं आपको समझाता हूँ कि भाई फ्लिप कीज क्यों खराब होती हैं। तो बलिनो की जो चाबी उसे हटा देता हूँ बिकॉज उसका कोई यूज नहीं है। एंड ये जो कीज होती हैं बेस्ट है बिकॉज ये दिक्कत नहीं देती हैं कुछ भी। इसमें चाहे आप कितना भारी भी सामान अटका लो, कोई इशू नहीं आता है। तो आओ मैं आपको समझाता हूँ फटाफट कि क्यों फ्लिप कीज यूज नहीं करनी चाहिए। अगर फ्लिप कीज यूज भी करते हैं तो क्या कुछ आपको जो सावधानियां बरतनी चाहिए, तो स्विफ्ट में दिखाऊंगा आपको। तो चलिए। सो गाइस, बेसिकली जो बेस वेरिएंट आता है अपना, मैं दिखा दूँ यहाँ पे आपको, बेस वेरिएंट आता है उसमें किसी भी तरह का आपको रिमोट नहीं मिलता। टॉप मॉडल जो होता है उसमें यहाँ पे आपको रिमोट मिल जाते हैं, तो उसी से आप खोल सकते हैं। तो चूंकि मैंने यहाँ पे बाहर से लगवाई है अपनी जो गाड़ी है उसमें जो सेंटर लॉकिंग है, तो इसमें जो बटन्स हैं वो लगा दिए गए। मैं दिखाऊँ आपको, जैसे मैं अनलॉक करूँगा लॉक हो रहा है बेसिकली, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग साइड में रखते हैं कि ये चीज़ तो इंपॉर्टेंट है। अब मैं अंदर चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि क्या कुछ जो है डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं आपकी फ्लिपकी के। तो गाइस, बेटर समझाने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि ये जो अपनी फ्लिपकी है इसमें से सेंसर निकाल दिया गया है। हालांकि पैक इतने अच्छे से करी थी शब्बीर भैया ने कि पता नहीं चल रहा होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग डालते हैं पहले, तो आप सुन सकते हैं कि यहाँ से जो रीड कर लिया, ठीक है। अब मैं आपको सेकंड चीज़ बताता हूँ, एक बार जो गाड़ी है वो हल्की सी ऑन हो जाएगी, मतलब इतना अनलॉक हो जाएगी कि आपका जो म्यूजिक सिस्टम है वो चल जाए। बट अब बात करते हैं कि गाड़ी स्टार्ट होगी या नहीं होगी। सो गाइस, यहाँ पे आपको की जो वार्निंग है वो देखने को मिल रही है, अगर मैं वापस दिखा दूँ आपको। उसका रीज़न ये है कि सेंसर जो था भाई वो तो अपना इसमें आ चुका है, तो यहाँ पे जो गाड़ी है वो बार बार वार्निंग दिखाएगी। तो अब क्या होगा अगर मैं गाड़ी ऑन करने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ से मैं एक बार ऑन करके दिखाता हूँ आपको। सो गाइस, गाड़ी ऑन नहीं हुई है, ये फर्स्ट टाइम था। अगर एक बार और मैं वापस करूँगा कुछ नहीं होगा, बट थर्ड टाइम जब मैं करूंगा तो हो सकता है कि अपना ECM जो है वो लॉक हो जाए, अंदर के गाड़ी का जो सिस्टम है, कंप्यूटर है, वो पूरा का पूरा लॉक हो जाए। और उसके बाद क्या होगा, आपको जाना पड़ेगा शोरूम में, बिकॉज यहाँ से जो है गाड़ी को क्या लगता है कि आपकी जो गाड़ी है उसको भी कोई चोरी करने की कोशिश कर रहा था, तो उसके बाद जो गाड़ी है वो लॉक हो जाती है। पहले की गाड़ियों में नहीं था, बट अब मॉडर्न जो गाड़ियां आई हैं उसमें सिस्टम आ चुका है कि आपकी गाड़ी का ECM है वो फ्यूज भी हो सकता है, लॉक भी हो सकता है, उड़ भी सकता है, बहुत सारी चीजें हैं, यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो एक बार जो है भाई मैं इस की को निकालता हूँ, यहाँ से मैं दिखा दूँ आपको। सो गाइस, इस की को जो मैं निकाल लेता हूँ यहाँ से बंद करके, तो यहाँ तक इस की का इतना ही काम था सिर्फ। अब चूंकि मैंने इसमें अपना जो फ्लिप की है इसमें लगा लिया है भाई सारा, तो अब मैं इसको डालता हूँ। एक बार मैं आपको समझा रहा हूँ कि मैकेनिज्म कैसे काम करता है बेसिकली। तो यहाँ से जो है सेम ऑन हो जाएगी, एंड आपको दिखेगा कि की वार्निंग नहीं आएगी, यहाँ पे वार्निंग जा चुकी है, ऑन भी हो जाएगी। गाड़ी ऑन करके दिखाऊं। सो गाइस, गाड़ी यहाँ पे जो है ऑन हो चुकी है, आपको दिख रहा होगा इधर एकदम बढ़िया से ऑन हो चुकी है। एंड अपना इधर भी मैं दिखा दूं कि भाई जो गाड़ी का RPM मीटर है वो काम करने लग रहा है। हालांकि इसके जो बटन है, जो नट्स है नीचे के, वो गिरे हुए हैं इसलिए मैंने ऊपर नहीं लगा रखा, बट यहाँ से आपको मेरे को दिखाना था। खैर, अब बात करते हैं कि भाई क्या कुछ जो है डिसएडवांटेजेस होती हैं। यहाँ तो मैंने आपको समझा दिया कि अगर आप एक डुप्लीकेट की से अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हैं जिसमें सेंसर नहीं होगा तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, और क्या कुछ जो है डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। अब गाइस, मैं आपको और डीप में लेके जाना चाहूंगा थोड़ा कि क्या कुछ नुकसान है। तो गाइस, यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि जैसे ही आप अपनी गाड़ी को जो है चलाने लग जाते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, क्योंकि हम लोग जो है अपनी गाड़ियों में भाई बहुत सारे चीज लगा के रखते हैं, तो ये चीज जो है जैसे झटकों पे जाते हैं तो बार बार ऐसे होती रहती है ऐसे, ठीक है। और विद इन टाइम, मतलब जैसे जैसे आप गाड़ी चलाओगे तो ये जो चीज है ये ऐसे ऐसे हिलती रहेगी, झटकों पे से जाती रहेगी, और आपकी गाड़ी का ये जो पार्ट है ये एकदम लूज हो जाएगा। यहाँ से आपको दिख रहा होगा, अभी इतना लूज नहीं है बिकॉज नई गाड़ी है, और फिर जो है वो लूज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये फर्स्ट डिसएडवांटेजेस है अगर आप फ्लिपकी बनवाते हैं, बिकॉज फ्लिपकी में वेट इतना ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा हैवी होती है, उसकी वजह से जो है भाई यहाँ पे आपकी गाड़ी है लूज हो जाती है। सेकंड चीज मैं बताऊंगा, ऐसे आपको दिख रहा होगा कि मेरे को जो है सिर्फ और सिर्फ अभी टाइम हुआ है मात्र इस फ्लिपकी को बनवाए हुए 3 महीने के आसपास, और हालत देख सकते हो आप इस फ्लिपकी की कि कितनी ज़्यादा जो है इस पे से सारा का सारा मटेरियल उड़ चुका है। और वहीं पर मैं बात करूँ गाइज अगर अपनी दूसरी जो मेन की है यहाँ से फोकस में ले लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये एज इट इज इंटैक्ट है, तो कोई भी जो है इसमें इशू नहीं आता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये कोई भी इसमें इशू नहीं आता है।
गाइज इन दोनों को साथ में रखूं तो आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा यहाँ पे कि ये कुछ क्वालिटी ऐसी है अगर आप बाहर से बनवाते हैं और ये है ओरिजिनल। और ऐसा नहीं है कि इससे मैंने चलाई नहीं है गाड़ी, इससे भी मैंने लगभग एक महीने चलाई है, बिकॉज फ्लिप की जो है मैंने लगभग 2 महीने के बाद बनवाई थी एंड इससे भी 1.5-2 महीने गाड़ी चलाई है। तो डिफरेंस आप देख सकते हैं, अपने आप समझ सकते हैं कि कितना कुछ जो है क्वालिटी में डिफरेंस आता है। अब हम बात करते हैं साथ ही साथ, इसको हटा देते हैं एक बार, कि भाई ये की जो है इसका सेकेंड बिग नुकसान क्या है। तो भाई जैसे कि मैंने पहले बताया था, आपको लूज हो जाता है, ठीक है, ये लूज हो जाता है यहाँ से। तो सपोज करिए भाई इतना लूज हो जाए कि आपकी गाड़ी से चलते चलते ये बाहर निकल के गिर जाए, बिकॉज मेरी मारुति में ऐसा ही होता था 800 में, उसकी जो कीज थी, जो कंसोल था, ये इतना लूज हो गया था कि चलते चलते जो है बाहर आने लग जाती थी। और गाइस सोचिए कि आप गाड़ी चला रहे हैं भाई और गाड़ी चलाते चलाते अगर वो बाहर नीचे गिर जाती है, नीचे पड़ जाती है, बाहर पड़ जाती है, तो भाई आपका जो स्टेयरिंग है यहाँ पे मैं दिखाऊँ, सपोज हम लोग गाड़ी चला रहे और निकल गया, तो गाइस अब देखिएगा स्टेयरिंग जो है लॉक हो जाएगा, यहाँ पे स्टीयरिंग लॉक हो चुका है। तो गाइज ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, अगर आप गाड़ी हाई स्पीड में चला रहे हैं और वो फ्लिप की बाहर निकल जाती है, पड़ जाती है, तो आपका जो स्टीयरिंग है लॉक हो जाएगा एंड आप कुछ भी नहीं कर सकते, बिकॉज अगर हाई स्पीड में होंगे तो आप सोच सकते हैं कहीं पे भी जाके टक्कर लग सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो ये चीज सेकंड बहुत बड़ा नुकसान था अपनी फ्लिप की का, अगर आप फ्लिप की बनवाते हैं और अगर आपने उसमें नीचे जो छल्ले वल्ले हैं वो टंगा रखे हैं। तो ये गाइज दो बहुत बड़े डिसएडवांटेज जो है मैंने आपको बताए। थर्ड डिसएडवांटेज और बता देता हूं मैं आपको। सो गाइज हम लोग अक्सर अपने जो चाबी के मतलब की होती है उस पर हम लोग अक्सर बहुत फैंसी फैंसी चीज़ रखा रखते हैं, की रंग रखते हैं। यहाँ पे मैं दिखा दूँ, मैंने अपनी जो गाड़ी है उसका नंबर लगा रखा है HR16X8284 एंड पीछे द एक्स लिखवा रखा है। तो भाई मैं जानता हूँ कि ये रिस्की है, अब रिस्की है मैं क्यों बताता हूँ। गाइज सपोज करिए कि भाई मेरी गाड़ी की चाबी है रास्ते में कहीं पर पड़ी है यहाँ पर, ठीक है, ये ऐसे पड़ी है, ठीक है, एंड भाई इस चाबी को कोई उठा लेता है, वो उठा के देखेगा चाबी, तो उसको दिखेगा मेरी गाड़ी का नंबर HR16X8284 एंड वहीं पर अपनी गाड़ी का नंबर ये रहा है HR16X8284, तो भाई वो देखेगा। तो चोर के लिए जो है गाड़ी चोरी करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है इस केस में, अगर किसी को भी चाबी दिखेगी, अगर वो चोरी भी ना करे, सपोज करिए आपकी गाड़ी खोल लेता है ना, उसमें कोई कीमती सामान पड़ा हो, मान लीजिए आप मॉल जा रहे हैं, मॉल में आपने गाड़ी जो है यहाँ पे साइड में टंगा रखी है, वो नीचे गिर जाती है, किसी के हाथ में लग जाती है चाबी, हो जाएगा आपकी गाड़ी में सामान चोरी करके, बेशक वो चाबी गाड़ी के अंदर छोड़ दे, आपको पता भी नहीं चलेगा। जब बात करते हैं हम लोग फोर बड़े डिसएडवांटेज की, तो गाइस क्योंकि ये भाई बाहर से बनाई हुई फ्लिप की है तो इसकी जो रेंज है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, जो मेरा रिमोट था, जो ओरिजिनल रिमोट था, उसकी रेंज बहुत ज़्यादा थी एंड यहाँ पे अपने पास बलिनो का भी है। तो अब मैं थोड़ी दूर जाता हूँ और उसके बाद देखता हूँ, चेक करता हूँ कि भाई कितनी दूर से जो है पकड़ते हैं, और आपको दिखेगा कि बलिनो जो है वो सही परफॉर्म कर रही है एंड क्योंकि मैंने फ्लिप की बाहर से बनवाई है इसकी रेंज इतनी स्ट्रांग नहीं है। तो ये भी कई बार सीन हो सकता है कि आप दूर गए हैं और आप चेक करते हैं कि भाई भूल जाते हैं और आप दूर से दबाएंगे, क्योंकि मेरे में तो ये साउंड आती है तो मेरे को तो पता चल जाएगा कि बंद हुआ नहीं हुआ। कई ऐसे होते हैं जो साउंड नहीं आती तो वो सोचेगा कि मेरी गाड़ी की जो की है वो बंद हो चुकी है, यानी कि लॉक है वो बंद हो चुका है। तो हम लोग दूर चलते हैं एक बार एंड फिर चेक करते हैं कि भाई कितनी दूर से जो है ये कैच करता है। और आज ये भी अपने साथ सपोर्टिंग एक्टर। खैर अब जो है भाई मैं काफ़ी दूर आ चुका हूँ, तो लेट्स सी यहाँ से जो है पकड़ेगा या नहीं पकड़ेगा। तो पहले जो है हम लोग बलिनो का दबाएंगे, तो मैं जो गाड़ी पर एक बार फोकस कर लेता हूँ यहाँ से, जूम इन करके थोड़ा एंड यहाँ पे एल प्रेस। तो गाइस आपने देखा कि बलिनो में जो है लाइट अगर आपको दिख रही होगी साइड फोल्डिंग मिरर पे देखिएगा, तो वो जो है वर्क कर रहा है प्रॉपरली। अब चेक करते हैं अपनी स्विफ्ट का। सो गाइस देख सकते हो स्विफ्ट का मैंने दबाया और वहां से भी कुछ भी नहीं हुआ, देख रहे हो। तो गाइस ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, वहां पे एक बार बलिनो का दबा दूं तो वहां पे आपको दिखा होगा वापस से साइड में, आप लाइट जल्दी फोकस करिएगा एंड स्विफ्ट का दबाऊं तो गाइस ये डिफरेंस है कि हम लोग वापस एक बार दबा के दिखा दूं, नहीं हो रहा, कुछ वर्क नहीं कर रहा यहां से देखो, और यहाँ से अगर सेम बलिनो का करूँगा तो गाइज वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो ये बिग डिसएडवांटेज है अगर आप फ्लिप की बनवाते हैं, बिकॉज फ्लिप की जो होती है भाई वो बहुत ज़्यादा मोटे मटेरियल की होती है, आई डोंट नो एक्चुअल में इसमें क्या होता है जिसकी वजह से जो है सिग्नल्स ब्लॉक्ड हो जाते हैं। तो ये कुछ रीज़न है जो जिससे आपको फ्लिप की नहीं बनवानी चाहिए एंड आई होप कि मैं आपको अच्छे समझा पाया हूं। यही डिफरेंसेस थे कि ओरिजिनल की क्या होती है एंड जो अपनी डुप्लीकेट बाहर से अगर आप फ्लिप की बनवाते हैं उसमें क्या डिफरेंस। सो गाइस बारिश आ गई थी उसकी वजह से मेरे को अंदर आना पड़ा वापस, आप देख सकते हो यहाँ पे। खैर मेरा मतलब मेन था कि आपको ये बताना कि भाई आपको फ्लिप की बनवानी चाहिए या नहीं बनवानी चाहिए अपनी गाड़ी के लिए एंड आई होप कि मैं आपको डाउट्स क्लियर कर पाऊँ। वापस बोलूंगा कि फ्लिप की बनवाए तो किसी अच्छे से बनवाए। खैर ये सारे डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस आपके ऊपर हैं कि आपको लेनी या नहीं लेनी। भाई लोग आज के वीडियो में इतना था, उम्मीद करो पसंद लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, मिलते हैं।